Good morning, dear students. Welcome to Science Sanskar Public School. Today we will study mathematics. Our first chapter is integers. And before knowing integers, we must know what are natural numbers. All counting numbers are called natural number. जितने भी numbers हम गिन सकते हैं वो सब होते हैं natural number. इन्हें हम denote करते हैं n से. And the smallest natural number is 1. सबसे छोटा natural number होता है 1. तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इनफाइनाइट. द नेक्स्ट टॉपिक इज होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो प्लस 0, ये सब हो गए होल नंबर्स. दे आर डिनोटेड बाय W. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो सबसे छोटा होल नंबर हो गया हमारा 0. होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0 टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स. अब देखिए, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं और इंटीजर में नेचुरल और होल सारे इंक्लूड होंगे. प्लस क्या होगा? नेगेटिव. जैसे कि 1 का नेगेटिव हो गया -1, ऐसे ही 2 का नेगेटिव हो गया -2. तो ये सब बनते हैं इंटीजर्स. इन्हें हम डिनोट करते हैं जेड से. अब देखिए, इंटीजर्स के एग्जांपल लिखे हैं हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. अब हमें नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे? फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू द राइट फ्रॉम 0 एंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू द लेफ्ट. 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अब देखिए, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. 0 की राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जहाँ से हम काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स. यहाँ भी हम 0 के बिल्कुल बाद इधर लिखेंगे -1, देन -2, देन -3 एंड सो ऑन. फैक्ट्स अबाउट हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. अब ये हम नंबर लाइन जो बना रहे हैं उसे हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं. हम यहाँ पर भी आगे नंबर बढ़ा सकते हैं और ऐसे इस साइड भी हम नंबर बढ़ा सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है? इंटीजर्स को नंबर लाइन पर प्लस या माइनस करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. इफ़ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. अगर हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हो कि किसी पॉजिटिव नंबर को प्लस करना है तो हमें जाना होगा राइट हैंड साइड में. जैसे इस क्वेश्चन में हमें 6 में 3 को प्लस करना है, तो हम मीन 6 पर हैं. यहाँ से हमें 3 प्लस करना है, तो 3 जंप्स लेने हैं. फर्स्ट जंप लिया, हम 7 पे आ गए. सेकंड लिया, 8 पर आ गए. और जैसे ही हमने थर्ड जंप लिया, हम 9 पर आ गए. तो 6 + 3 हो गया 9. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? -6 में 3 को प्लस करना है. तो सबसे पहले हम -6 पर हैं, इसमें भी हमें 3 ऐड करना है. तो हम राइट हैंड साइड में जंप करेंगे, 1, 2 एंड 3. थर्ड जंप में हम आ गए -3 पर. सो आवर आंसर विल बी -3. नाउ इन सेकेंड पार्ट, इफ वी ऐड अ नेगेटिव नंबर, अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें मूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में. -6 में हमें ऐड करना है -3 पर. तो सबसे पहले हम -6 पे चले गए, इसमें हमें -3 को ऐड करना है. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना होगा. हमने फर्स्ट जंप लिया, 1, 2 एंड 3, हम पहुंच गए -9 पर. सो हमारा आंसर हो गया -9. इन थर्ड पार्ट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट. अगर हमें किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस करना है तो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही जाना होगा. जैसे कि -4 में से हमें 3 को माइनस करना है, तो सबसे पहले हम पहुंच गए -4 पे. इससे हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 जंप्स करेंगे, 1, 2 एंड 3 एंड वी हैव रीच्ड -7. लास्ट इज इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू मूव टू द राइट. तो हमें मूव करना होगा राइट हैंड साइड में. जैसे हम यहाँ पर -8 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं -12 को. सबसे पहले हम पहुँच गए -8 पे. अब हमें राइट में 12 जंप्स लेने हैं, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व एंड वी हैव रीच्ड टू फोर. सो आवर आंसर इज फोर. द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मीन द नेगेटिव ऑफ एनी इंटीजर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर का जब हम नेगेटिव निकालते हैं तो वो होता है उसका एडिटिव इनवर्स. द एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव इज माइनस फाइव. जैसे फाइव का नेगेटिव हो गया माइनस फाइव, ऐसे ही द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव इज फाइव. तो माइनस फाइव का नेगेटिव हो गया प्लस का फाइव. फाइव में अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे मीन्स फाइव प्लस माइनस फाइव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो. तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नंबर में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स दैट मीन्स उसका नेगेटिव ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो. जस्ट लाइक माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ज़ीरो.